नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेकर आए हैं मारुति सुजुकी की तरफ से सुपर कैरी CNG। बहुत ही शानदार और हायर परफॉर्मेंस गाड़ी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रक की जितनी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है और साथ में जो इस गाड़ी का कैबिन है वो कारों की तरह आपको आरामदायक लग्जरी लुक देगा। और रही बात यहाँ पर फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू में देखते हो आपको बड़ा वाइड स्क्रीन यहाँ पर, फ्रंट मिरर यहाँ पर आपको मिल जाता है, वाइपर ब्लेड्स आपको मिल जाते हैं वाटर जेट्स के साथ, और यहाँ पर हैवी ग्रिल यहाँ पर सामने सुजुकी का यहाँ पर क्रोम के साथ ब्रांडिंग रहता है। बम्पर बहुत ही हैवी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है और साथ में यहाँ पर हेलोजन लैंप्स आपको हेडलाइट्स के तरफ मिल जाते हैं दोनों साइड, और यहीं पर आपको पार्किंग इंडिकेटर्स भी साथ में मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की सामने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है, तो सामने यहाँ पर अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर सामने की तरफ आपको यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर सुजुकी आपको प्रोवाइड करेगी। ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक रियर व्यू मिरर मिल जाता है और साथ में यहाँ पर डोर जो मिलता है उसे आप बाहर से भी लॉक कर सकते हो, अंदर से भी लॉक कर सकते हो। शीशा यहाँ पर मैनुअली आप अप एंड डाउन कर सकते हो। रही बात यहाँ पर गाड़ी के साइड व्यू की, तो 155/8/13 के यहाँ पर व्हील्स मिल जाते हैं गाड़ी में, और आगे यहाँ पर सस्पेंशन जो मिलती है शॉकर सस्पेंशन मिल जाती है, बहुत ही हैवी सस्पेंशन है। और अगर पीछे सस्पेंशन की बात हो, सादा पत्ता कमानी यहाँ पर पीछे मिल जाती है। और मेन बात इस गाड़ी में यहाँ पर आ रहा है, दो तरह की गाड़ी में फ्यूज में आ रही है, ये CNG है और साथ में पेट्रोल की ऑप्शन भी गाड़ी में यहाँ पर आती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ CNG आप यहाँ से भरवा सकते हो। गाड़ी में एक सिलेंडर CNG ना रखने के बजाय दो सिलेंडर यहाँ पर सुजुकी ने दिए हुए हैं, ताकि एक सिलेंडर आता तो वो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाती, तो उसके बजाय दो सिलेंडर यहाँ पर चेसिस में डाले हुए हैं ताकि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की ज़्यादा रहे। और यहाँ पर देखते हो 5 लीटर का यहाँ पर आपको पेट्रोल का यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मांगे जाए रास्ते में आपकी गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है CNG खत्म होने का कारण, CNG नहीं मिल रहा, तो उसके बाद पेट्रोल पर भी आप अपनी गाड़ी CNG पंप तक ले जा सकते हैं। जो पीछे यहां पर आपको कंपनी में लोडिंग स्पैन जो मिल जाता है वो 7 फीट 2 इंच की आपको लंबाई मिल जाती है, और जो चौड़ाई मिलती है वो 4 फीट 9 इंच की आपको यहां पर चौड़ाई मिल जाती है। बहुत ही ईजिली आप यहां पर आसानी से बड़ा स्पेस दिया हुआ कोई भी सामान आप यहां पर रख सकते हो। बहुत ही हैवी डेक आपको यहां पर मिल जाता है, फर्श बहुत ही हैवी है गाड़ी में। यहां पर देखो साइड पर यहां पर स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, और सत्रपाल वगैरह लगानी है वो आप यहां पर ऑप्शन कर सकते हो। जो पीछे यहां पर डाला है वो यहां पर आसानी से यहां पर आप खोल सकते हो और बिल्कुल फ्लैट भी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा यहां पर यूनिक फीचर्स गाड़ी में यहां पर दिए, लॉक करने में यहां पर आसानी से आप यहां पर लॉक भी कर सकते हो। मेन बात पीछे में यहां पर देखो रिवर्स पार्किंग यहां पर सेंसर्स भी मिल जाएंगे, CNG की यहां पर ब्रांडिंग है। पीछे यहां पर बैक लाइट्स के तौर पर यहां पर इंडिकेटर्स के साथ प्लस बैक गियर लाइट्स आपको यहां पर मिलेगी। पीछे की तरफ ही यहां पर आपको स्पेयर व्हील यहां पर आपको माउंटेड मिलेगा, और यहीं पर आपको पीछे की तरफ यहां पर एग्जॉस्ट सिस्टम यहां पर पीछे में रहता है, मारुति सुजुकी की यहां पर ब्रांडिंग रहती है। और यहीं पर हम अगर बात कर लें कनेक्टर साइड की, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको बैटरी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एयर वेंट्स बने हुए हैं डिज़ाइन के तौर पर। अगर हम इंटीरियर कैबिन के इंटीरियर लुक की बात करें तो बहुत ही शानदार इंटीरियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहीं पर देख सकते हो ग्रे कलर का यहाँ पर आपको पूरा ही डैशबोर्ड है वो सारा ग्रे कलर और ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से फिटेड रहेगा। साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर दोनों आपको बड़ा यहाँ पर सामान रखने की यहाँ पर स्पेस मिल जाती है, सेंटर में भी आपको स्पेस रहती है, और यहीं पर ऐसे मोबाइल चार्जर होल्डर भी यहां पर दिया हुआ है। मोबाइल चार्ज आप यहां पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी दी हुई है साथ में। और पीछे की तरफ भी आपको यहां पर बॉडी में देखने के लिए मिरर दिया हुआ है। गाड़ी का यहां पर ड्राइवर सीट पर भी मैं बैठ चुका हूं, और सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सारी डिटेल्स आपको यहां पर हम गाड़ी में आपको यहां पर जैसे ही आप यहां पर गाड़ी में इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो CNG प्लस पेट्रोल के सारे पॉइंट्स आपको सामने मिलेंगे। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले पिकअप जो लेता है गाड़ी में स्टार्टिंग लेता है वो पेट्रोल के लिए था, उसके बाद यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर आप CNG ऑन ऑफ कर सकते हो सांस से और पेट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। यहीं पर देख सामने आपको मीटर में भी आपको ये शो करेगा भी आप गाड़ी में CNG कितना बचा है और यहाँ पर पेट्रोल कितना बचा है। अगर मेन बात यहाँ पर आ जाती है स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर बहुत ही लाइट स्टेयरिंग है, आराम से यहाँ पर गाड़ी अभी स्टार्ट भी नहीं है तो देखो आराम से यहाँ पर मैं स्टेयरिंग को यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। यहीं पर देखते हो वाइपर मशीन के कंट्रोल्स यहाँ पर रह जाते हैं, और यहीं पर हेडलाइट्स के कंट्रोल्स और इंडिकेटर के स्विचेस यहाँ पर राइट साइड पर रह जाते हैं। यहीं पर देखते हो 5 स्पीड आपको फ्रंट में यहाँ पर गियर्स मिल जाते हैं, एक रिवर्स गियर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर हैंड ब्रेक ऑप्शन यहाँ पर आपको रहता है, और ABC एसेसरीज
एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच बहुत ही शानदार दी हुई है और यहाँ पर स्पेशियस है, आसानी से वॉक थ्रू कैबिन यहाँ पर कंपनी बनाया, आराम से यहाँ पर अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हैं, कनेक्टर सीट पर बैठे हैं तो आराम से यहाँ पर अपना बैग वगैरह भी रख सकते हैं। नीचे सफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सियात में यहाँ पर मैट्स लगे हुए हैं और मेन बात अगर हम कर लें तो यहाँ पर जो कैबिन बना हुआ गाड़ी का वो लेस नॉइस वाला कैबिन प्रोटेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी बाहर की आवाज़ें आपको अंदर सुनाई देगी, बहुत ही आरामदायक और स्पेशियस कैबिन है। सामने यहाँ पर जो सनवाइजर भी मिला हुआ है, यहाँ पर लाइट से कंट्रोल रह जाते हैं, सामने भी यहाँ पर मिरर रहता है जो आपको रियर व्यू हेल्प करता है। यहीं पर अगर बात करें गाड़ी में इंजन की, मारुति सुजुकी सुपर कैरी का सबसे दमदार फीचर है इसका इंजन। 1196 सीसी 4 सिलेंडर का इंजन है, वो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस आपको देता है हर बार, चाहे जैसे भी रास्ते हो। रफ एंड टफ सुपर कैरी आपके लिए आगे बढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। सुपर कैरी आपको पेट्रोल्स के साथ सीएनजी दोनों वेरिएंट्स में रहती है। पेट्रोल में जो इसका गाड़ी का पावर आता है वो 54 किलोवाट का पावर है और साथ में जो टॉर्क गाड़ी देती है वो 98 Nm का गाड़ी में टॉर्क डिलीवर होता है। इसी प्रकार से सीएनजी की बात करें तो यहाँ पर 48 किलोवाट का यहाँ पर आपको पावर मिल जाता है और 85 Nm की यहाँ पर आपको टॉर्क डिलीवर हो जाती है। अगर हम गाड़ी के यहाँ पर माइलेज की बात करें तो सुपर कैरी माइलेज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, आपको ये आराम से 1 किलोग्राम सीएनजी पर आपको 20 से 22 किलोमीटर की एवरेज आपको आसानी से दे पाएगा, चाहे आप जैसा भी लोड लेकर जा रहे हो। अगर हम गाड़ी के यहाँ पर पे लोड कैपेसिटी की बात करें तो गाड़ी में जो डेक है उसमें आप 740 किलो पे लोड आसानी से आप यहाँ पर गाड़ी में डाल सकते हो। बहुत ही दमदार और हैवी यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर बनाई हुई है। और थोड़ी सी आपको एक बार वीक पॉइंट्स बताता हूँ, जो गाड़ी में कई बार वीक पॉइंट्स आपको नोट करनी चाहिए, जब भी आप लाइट कमर्शियल गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर जो चेसिस है, यहाँ पर चेसिस स्ट्रेट लाइन में और ब्लॉक की तरह अप एंड डाउन नहीं है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर चेसिस अप डाउन होती है तो वहाँ पर टर्निंग रेडियस में गाड़ी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। टर्निंग रेडियस में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी का आपको फायदा होने वाला है। तंग रास्तों पर आप गाड़ी यहाँ पर जा रहे हो, कोई तंग गली है वहाँ पर भी आप गाड़ी आसानी से यहाँ पर टर्न ले सकती है। जो टर्निंग रेडियस है गाड़ी का, इस गाड़ी का 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस है, वो बहुत ही शानदार गाड़ी का टर्निंग रेडियस आ जाता है। कैबिन के साइड में यहाँ पर आपको यहाँ पर एयर क्लीनर का जो माउंट है वो यहाँ पर बना मिलेगा। काफ़ी गाड़ी में यहाँ पर बाहर डाउन में यहाँ पर निकाला होता है, इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ऊपर में दिया हुआ है। ये ऊपर में इसलिए दिया हुआ है, कई बार गाड़ी यहाँ पर बारिश में ज़्यादा यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। और साथ में अगर नीचे रहता है तो जो डस्ट वगैरह उड़ती है वो भी एयर फिल्टर में आती है, तो उसको रोकने के लिए सेफ्टी पॉइंट यहाँ पर जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा देगी, एयर क्लीनर ज़्यादा साफ़ भी रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, एवरेज माइलेज बहुत ही बढ़िया है और गाड़ी में लोडिंग स्पैन बहुत बढ़िया है, जो पे लोड है वो भी बहुत ही शानदार है, तो कुल मिलाकर ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी परचेज करनी है तो नियरेस्ट आप मारुति सुजुकी शोरूम में जाकर वहाँ से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप वहाँ पर बुकिंग करवा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।